हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी मैं हूँ होयान में और आज मैं जा रही हूँ कुछ नया करने, वो है लैंटर्न मेकिंग। तो मैंने कभी लैंटर्न बनाया नहीं ज़िंदगी में कभी, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस है जहाँ पे आप जाके लाइक यू नो 2-3 घंटे में या फिर एक दिन का लेके लैंटर्न बना सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो। आज मैं दिखाने वाली हूँ वो स्पेशल क्लास और ये जो वियतनाम की सीरीज है कंटिन्यू रहेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड मिलते हैं आपको लैंटर्न क्लासेस में। चलिए लेट्स गो। अभी बज रहे अराउंड 8:30, तो यहाँ पे दुकान वगैरह खुला नहीं अभी तक, इधर आई शायद 9:30 से शुरू होती है। तो मैं बस अभी चल रही हूँ, तो सारी दुकान यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोज ही है, थोड़ा थोड़ा खुल रहा है अभी, तो देखते हैं आगे। सो गाइज, यहाँ पे आपको लेफ्ट एंड राइट बहुत सारे लाइक यू नो सिल्क स्टॉप मिलेंगे, जहाँ पे वो लोग लाइक सूट वगैरह या फिर ड्रेसेस वगैरह आप कस्टम मेड कर सकते हो। वो लोग टेलर मतलब इंस्टेंटली मतलब 2-3 घंटे में वो लोग स्टिच करके देते हैं। तो बहुत ही प्यारा जगह है, अगर आपको कुछ अपने लिए कपड़े सिलवाना हो, मैं तो नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे अभी कुछ शॉपिंग नहीं करना है यहाँ से, बट अगर आपको कुछ करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे एक टेंपल है, चाइनीज टेंपल जैसा लग रहा है, आर्किटेक्चर तो बहुत ही प्यारा लग रहा है बाहर से, तो मैंने बस ऐसे ही स्नीक पीक ले लिया इसका। तो अभी मैं ऑन द वे हूँ और जा रही हूँ। ये होयान का सबसे पुराना लैंटर्न वर्कशॉप है। इसके बारे में मैंने बहुत सारे अच्छे रिव्यू देखे थे। अंदर से तो ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है, देखते एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो वहाँ पे बनाना का चिप्स था और वेलकम टीम के साथ यहाँ पे शुरुआत होती है क्लासेस की। बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि क्या क्या होने वाला है, सो एक्साइटेड आई एम राइट नाउ। 5 years to make the lantern in here. Yeah, one of the first lantern workshop in Hoi An. So, but every lantern in Vietnam we come from here. Oh, yeah. This is the originary place for lantern? Yeah, this is Hoi An is the lantern capital of Vietnam. You know? Okay. Yeah. ये वर्कशॉप के ओनर है। इन्होंने मुझे बताया कि होयान वियतनाम का लैंटर्न कैपिटल है और अपने वर्कशॉप का एक टूर भी दिया जो इनके घर में ही बनाया हुआ था। Yeah, we twist by hand first and use the plier to do. तो ये वाला पोर्शन काफी थिन होता है, तो ये आपको बैंड कर सकते हो जो शेप देने के लिए, और ये वाला जो पोर्शन है वो थिक होता है, तो इसको आप बैंड नहीं कर सकते। तो दिस इज द वे दे मेक इट, द इनर सर्कल, द बलून सर्कल। तो अभी वो कुछ दूसरा दिखाने वाले हैं कि किस शेप में, और भी बहुत थिन होता है इट सेल्फ। कुछ देखे आए हैं, वाओ, दिस इज द We call it the spaceship shape. Oh, like the, space, yeah, yes, yeah. Spaceship, like the UFO. Yeah, you know? UFO and all. Yeah. So we with this one, you look, we use a pencil to knock in here and here. Okay. And we cut inside very thin, thick part. Yeah, and thicker both side here. So यहाँ पे ऐसे spread करना होता है, तो आप यहाँ पे spread करके इसके अंदर आप डाल सकते हो। तो मैं try कर रही हूँ बनाने का। गाइस, अभी मैंने बेस बनाया है, अभी देखिए इसमें पूरा लाइक थ्रेड से जुड़ा गया है इसको टाइट करके। तो अभी मैं इसमें पेंटिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे कुछ पेपर मिला है मुझे और ये जो मटेरियल दिख रहे हो वो मिला है, तो मैं उसमें अभी ड्राइंग करने वाली हूँ। सो आई एम सो एक्साइटेड, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यू विल यूज ग्लू, यू पुट फॉर ओनली 3 बैम्बू।
one, two, three, and we make from the top all the way down. Okay. And we put. So guys, एक glue दिया गया है जिसमें मुझे ये bamboo पे चिपकाना है क्योंकि इसी से sticky होगा वो कपड़ा जो हम लोग लगाने वाले आगे. तो इन्होंने बोला है मुझे तीन तीन बेम्बू का जो स्टिक है वो यूज़ करने के लिए. वो अभी तो देखते हैं लगा रहे हैं. It's okay. We have my opposite size. One, two, three, the same. Three bamboo. अभी मेरे चारों साइड में मैंने लगा दिया है. तो अभी मैं एक्स्ट्रा जो एजेस है ना वो मैं काट रही हूँ. तो काटने के बाद वो थोड़ा सा फिनिशिंग टच होगा. तो चलिए दिखाते हैं. ये वर्कशॉप अराउंड 3 आवर्स का था और यहाँ पर उन लोगों ने बहुत आराम से मुझे लैंटर्न बनाना सिखाया, सारे प्रोसेस बताए और मेरा फर्स्ट लैंटर्न बनाने में हेल्प किए. यहाँ पर सभी लोग एक ही फैमिली के हैं और बहुत फ्रेंडली है. ये लोग आपके बनाए गए लैंटर्न को उसी टाइम ड्राई कर देते हैं सो देट आप उन्हें अपने साथ घर लेके जा सको. मैं अभी वो ड्राई कर रही हूँ. मेरी जो पेंटिंग किया हुआ है उसमें रसल लगा दिया तो अभी ड्राई हो रहा है मेरा लैंटर्न. तो उस तब तक मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करती हूँ. यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं लैंटर्न बनाने के लिए हर रोज और ये लोग कई सारे लैंटर्न बनाते हैं. सो गाइस, मैंने तो यहाँ से लैंटर्न भी खरीद लिया, बना भी लिया, खरीद भी लिया. यहाँ पे सस्ते में दे रहे हैं बट यहाँ पे बोलते हैं कि इंडिया में आज तक उन्होंने शिपिंग नहीं किया है. अगर आप यहाँ से शिपिंग करना चाहते हो तो मैं इसका कॉन्टैक्ट नंबर लेके जा रही हूँ उनका, तो मैं नीचे डाल भी दूंगी. तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो. बट शिपिंग कॉस्ट बोल रहे थे यहाँ पे एक्स्ट्रा है. तो अगर आप मतलब बल्क में लेते हो तो ही शायद आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा. तो मेरा तो प्लान है फ्यूचर में डेफिनेटली मैं अपने घर के लिए मतलब यहाँ से ऑर्डर करने वाली हूँ, या फिर अगर मैं फिर से वियतनाम आ गई तो यहाँ से ज़रूर खरीद के लेके जाऊँगी. इस बार मेरे लगेज ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा ही 2 या 3 लेके जा रही हूँ. सो चलिए देखते हैं. मेरा लैंटर्न अभी बन के शायद तैयार हो चुका है. सो दिस वन आई बॉट ऑलरेडी. ओके यस. ओह वेरी नाइस. थैंक यू. प्रीटी. थैंक यू. थैंक यू सो मच. Okay. It's dry already? Fine. Okay. Yeah, when you open it at home, you put on the tape on it. Okay. To put down. Yeah. Okay. You lock one side first all the way. Yeah. Okay. Hold it. Keep. One hand. Okay. Yeah, to support. Okay. Yeah. Okay. That's it. Okay. Hey. So excited I am. मैंने फाइनली कुछ लंटन बनाया है जिंदगी में पहली बार और काफी अच्छा अचीवमेंट लग रहा है मुझे. तो गाइस, मेरी लैंटर्न की क्लासेस ख़त्म हो गई है और मैं अभी निकल रही हूँ. तो ये पूरा मिला के मुझे पड़ा अराउंड 330,000, तो ऑलमोस्ट 1,000 के आसपास पड़ा. मैंने यहाँ पे लाइक 500 रुपये का अराउंड क्लास था और यहाँ पे मैंने लैंटर्न बनाया भी और अपने लिए 2 खरीद के भी लेके जा रही हूँ. सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. मतलब मैं तो काफ़ी खुश हूँ अभी सब ये करने के बाद, एक्टिविटी करने के बाद. तो मैं अभी जा रही हूँ थोड़ा दूसरे लोकेशन की तरफ. सो चलिए चलते हैं गाइस. सो गाइस, पहुंच गए हम लोग बीच साइड. यहाँ पे सबसे पहले तो लंच करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बीच में बीच हॉपिंग करेंगे और उसके बाद निकलेंगे. तो चलिए पहले लंच करते हैं कहीं पे, कुछ बहुत भूख लगी है. यहाँ पे बीच साइड पे बहुत सारे शॉपिंग प्लेसेस भी है, लाइक आपको अगर कुछ ख़रीदना है बीच एक्सेसरीज वगैरह तो यहाँ से ज़रूर खरीद सकते हो. काफ़ी सारे शॉप्स हैं. तो पहले तो मुझे खाने का शॉप ढूँढना है पहले. सो गाइस, ये बीच साइड जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे बैठी हूँ आके, काफ़ी अच्छा लग रहा है. यहाँ का जो वाइब से यहाँ से पूरा सी दिख रहा है. नीचे काफ़ी सारे शैक्स हैं आप देख सकते हो. सो गाइस, इस बीच के पास बहुत सारे रेस्टोरेंट तो है ही, 2-3 आपको लेफ्ट साइड में राइट साइड में दिख जाएंगे. बहुत प्यारा प्यारा है एक्चुअली, आप उसमें बैठ के व्यू एंजॉय कर सकते हो जहाँ पे भी अभी बैठी हूँ. तो मैं इन बिटवीन में आई हूँ थोड़ा सा बीच में देखने के लिए क्योंकि बीच सामने हो और मैं वहाँ पे बैठी रहूँ तो हो ही नहीं सकता. तो मुझे भूख लगी है बट मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बीच में आपको दिखा देती हूँ यहाँ का क्या क्या लाइक कैसा बीच है और लाइक यू नो क्या क्या है यहाँ पे. तो काफी सारे शेक्स लगे हुए हैं और ये राउंड बोर्ड आप देख सकते हैं.
ये बीच काफ़ी क्लीन है, लाइक द वाइट सैंड बीच है और बहुत सारे सैक्स लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए चिल आउट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग स्विमिंग पे ली गए हैं, लाइक कायाक कर रहे हैं एंड बोट राइड कर रहे हैं। और ये जो ग्राउंड राउंड आपको दिख रहा है ना, ये सब बोट, इसे भी आप चला सकते हो। लाइक यहाँ पे लाइक लोग लेके जाते हैं और वो लोग राउंड राउंड घुमाते हैं, बहुत ही प्यारा लाइक यू नो वो एक्सपीरियंस होता है। मैं अब तो नहीं करने वाली, बहुत धूप है, बट मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ ये जो बीच का व्यू है, बहुत ही प्यारा बीच है एक्चुअली। काइंड ऑफ ज़्यादा तो बड़ा नहीं लग रहा है बट है काफ़ी, और सब लोग यहाँ पे चिल आउट कर रहे हैं गाइस। तो अगर आप होयान में हैं तो ये बीच आप ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो अपनी डे ट्रिप पे और आप यहाँ पे आके रिलैक्स कर सकते हो। लेट मी शो यू अराउंड गाइस। मन तो कर रहा है लाइक समुंदर में जाऊँ, बट पानी में जाने का बड़ा मन कर रहा है, बट अभी भूख लगी है, पहले तो खाऊंगी, देखती हूँ उसके बाद अगर मन करता है तो जाऊंगी, नहीं तो फिर बैक टू होटल। सो गाइस अभी मैंने ऑर्डर किया है चिकन विथ राइस विथ टोमेटो एंड ऑल्सो वेजिटेबल्स। तो इसका जो प्राइस है यहाँ पे लाइक 1.18 डॉन्ग है, तो अच्छा है प्राइस वाइज, और देखते खा के कैसा है टेस्ट, देखने में तो काफ़ी यम्मी लग रहा है। आई लव फूड हियर, मुझे वियतनामीज खाने में कोई दिक्कत नहीं है गाइस, और क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मुझे कुछ भी मतलब चिकन वगैरह मिल रहा है तो आराम से मैं एंजॉय कर रही हूँ। अगर आप वेजिटेरियन भी तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इंडियन रेस्टोरेंट भी है, तो चिंता मत कीजिए यहाँ पे खाने के लिए। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। तो हमने बहुत सारा एक्टिविटी किया आज, लाइक यू नो ड्राइंग क्लास किया जहाँ पे मैंने लैंटर्न अपने खुद से बनाया, फिर ये ब्यूटीफुल बीच साइड में आके बैठ के यहाँ पे लंच कर रही हूँ और ये व्यू के साथ। और ये बीच काफ़ी वाइड है गाइस, अगर मतलब आप आते हो तो एकदम आराम से पूरा चिल आउट कर सकते हो, पूरा रिलैक्स होके यहाँ पे बीच साइड में एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी सारे लाइक यू नो टन्स ऑफ शेक्स यहाँ पे है आप एंजॉय करने के लिए यहाँ पे, और एक्टिविटी तो खूब हो रही है, मतलब पैरासेलिंग से लेके स्पीड बोट जेट स्की सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। सो गाइस अगर आपको इस सीरीज़ के बारे में, क्योंकि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, और अगर आपको इस सीरीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आपको जानना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और मेरा इंस्टा हैंडल भी यहाँ पे नीचे दिया गया है, उसमें भी आप जाके DM कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचती है।